हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले मैंने 9 लेक्चर ले लिए हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से ले सकते हो। और आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के नोट्स चाहिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, प्लस में उसके वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप मेरे से ₹100 में टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, आप जाके मेरे से ले सकते हो। सिमिलरली हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो बुक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके भी नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, ₹100 में आप मेरे से ले सकते हो। तो आज का बेटा टॉपिक क्या है हमारा, दो एक थ्योरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए थ्योरम अवेलेबल है हमारे पास। लेट u1t एंड u2t आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारे u1 एंड u2 है क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सोल्यूशन है, जो हमारी एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये वाली। ठीक है, विद pt हमारा हमेशा यहां कहता है बेटा pt इज ग्रेटर देन 0 रहता है। और pt जो हमारा यहां पे है, मैं बता देता हूं, pt हमारा ग्रेटर देन 0 है और pt हमारा हमेशा कंटिन्यूस डेरिवेटिव रहता है। ठीक है, प्रूव दैट u1t एंड u2t डू नॉट एडमिट कॉमन 0। इन दोनों में कोई भी कॉमन 0, कॉमन 0 का मतलब बेटा यहां पे होता है 0 का मतलब होता है रूट, 0 मतलब 0 नहीं होता, यहां पे 0 का मतलब है रूट। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन रूट नहीं है इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल ab, कोई इंटरवल ab दे रखा है क्लोज, उनके बीच में u1 और u2 के कोई भी कॉमन 0 नहीं होगी, मतलब कॉमन रूट नहीं होगा, हमें यह प्रूव करना है बेटा। ये थ्योरम करीबन 5 बार आई हुई है एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारी गिवन इक्वेशन 1 दी हुई है बेटा, हमें दिया हुआ है सपोज दैट सॉल्यूशन u1t u2t एडमिट एक कॉमन 0, हमें क्या प्रूव करना है, नॉट कॉमन 0, बट हम लेट कर रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई कॉमन 0 है एट t इज इक्वल टू 0। इस t इज इक्वल टू t0 पॉइंट पे क्या है, वो कॉमन 0 है। अगर कॉमन 0 है बेटा तो हमारा u1t 0 इस पॉइंट पे भी 0 वैल्यू होगी, u2t 0 इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब एडमिट हमारा कॉमन 0 कर रहा है तो दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कर लिया। अब सिंस u1 एंड u2 आर टू सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के u1 एंड u2 दो सॉल्यूशन है बेटा, जहां पे दो इक्वेशन बन जाएगी, तो इक्वेशन 1 में u1 u2 दो सॉल्यूशन है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को भाई u1 आ जाएगा जहां जहां पे y है, सिमिलरली हम लिख रहे हैं u1 डैश हो जाएगा क्योंकि dy था, यहां u1 हो जाएगा या u2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन 3 को, इस वाली ऊपर वाली को तो u2t से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली को u1t से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आया तो हमारी ये इक्वेशन और इक्वेशन 4 और 5 आ गई। जब 4 और 5 आई तो सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 5 कर दिया, कुछ नहीं किया बेटा, मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को इसके साथ, इसको इसके साथ, u1t को इसके साथ किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो करते ही आ रहे हैं कंटिन्यू। जब सब्ट्रैक्ट किया और लिखा तो बेटा यहां पर देखो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस और माइनस बेटा ये दिख रहा हो, क्या 1t क्या 1t, u1t u1t q2, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा u2t माइनस u1t, ये वाली लाइन इक्वेशन बचेगी, तो मैंने यहां पे इसको लिख दिया। अब यहां पे इसको रीअरेंज करके अगर माइनस कॉमन लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूसरी साइड 0 है, तो मैं इसको रीअरेंज करके क्या लिखते बेटा, pt कॉमन आ रहा था, देखो यहां पे pt कॉमन आ रहा दोनों में से, तो pt मैंने d/dt बाहर लेके pt ले लिया, यहां पे pt बाहर लिया, तो अंदर क्या बच गया u1 u2t माइनस u1t u2 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को बेटा मैं लिख सकता हूं उल्टा आगे पीछे भी करके लिख सकता हूं, इसी को आगे लिख कर दू, इसको पीछे लिख दू, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नहीं दूसरी साइड हमारी 0 है, तो दूसरा नेगेटिव हमारा आता जाएगा। अभी इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, जब इंटीग्रेशन बोथ साइड किया तो यहां पे इंटीग्रेशन लगाया तो बेटा इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगी, ये टर्म बच जाएगी, प्लस में क्या बच जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू लगाते ना सी, तो हमने सी लगा दिया, तो ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर यहां पर 7 आ गई हमारी। अब आगे देखो, द रिजल्ट इज नोन एट एबल फॉर्मूला एसोसिएटेड विद डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है कि आप जानते हो रिजल्ट, इससे क्या रिजल्ट आया है हमारा, u1t u2t u1 u2 ये हमने w t क्या होता है, वोंकन मोंसकेन जो हमारी थ्योरम होती है वो होती है w t हमारा। ठीक है, तो इसी इसके को लिख लिया, ये हमारा 8 आ गया। अभी यहां से बेटा हमें गिवन है कि u1t और u2t क्या होता है, 0 होता है, ये दोनों की जगह 0 पड़ेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, 0 के इक्वल आएगा, और ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन 7 में पुट करेंगे यहां पे, तो ये इक्वेशन 7 भी किसके, सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या गया बेटा, 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अब आपको सभी को पता है वोंकन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ये जो हमारे गिवन है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएंगे,
अगर W भाई लोवलीज फॉर्मूला, जो हमारा लोवलीज फॉर्मूला है, इसमें अगर डब्ल्यू टी जीरो आ रहा है, डब्ल्यू टी टी इज इक्वल टू जीरो लिया था हमने पॉइंट, अगर ये जीरो आ रहा है तो हमें पता चलता है कि शो होता है कि यू वन टी और यू टू टी हमारे क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन हो रहे हैं। अगर ये किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे जीरो के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे क्या है बेटा, यू वन टी यू टू क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है बेटा, ये इंडिपेंडेंट है और यहां पे डिपेंडेंट आ रहा है। तो हमने सपोज क्या किया था, यहां पे क्या सपोज किया था कि यहां देखो, हमने सपोज किया था कि U1 एंड U2 एडमिट कॉमन जीरो, तो भाई गलत हो गया, कॉमन जीरो डिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट फंक्शन था और हमारा डिपेंडेंट आ रहा है, तो हमने कॉमन माना था, तो मतलब ये केस तो गलत हो गया। यहां पर देखो, यहां पे डिपेंडेंट आ गया, तो मतलब इट इज कंट्राडिक्ट, ये गलत केस है, ये वो पोजीशन इज रॉन्ग, तो हमारा पोजीशन रॉन्ग है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं देयरफॉर वी कंक्लूड द सॉल्यूशन ऑफ यू वन एंड यू टू डू नॉट कॉमन जीरो, तो इनके बीच में कोई कॉमन जीरो नहीं है बेटा। बस ये था थ्योरम आज की। अगली थ्योरम पे हम बात करेंगे बेटा, वो बता देता हूं मैं आप सभी को। अगली थ्योरम है हमारी प्रूव आइगन वैल्यू ऑफ स्टर्म लोवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स आर डिस्क्रीट। ये क्या है बेटा, हमारी डिस्क्रीट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है डिस्क्रीट। कहीं पे भी आपको YouTube पे वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा इसके बारे में, इसी को हम पूरा बात करेंगे। अगर आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट चाहिए, प्लस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ चाहिए, प्लस में सभी के नोट्स चाहिए, तो ईच आरएस 100 रुपए में, ईच बुक के आरएस 100 रुपए में नोट्स और वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।